के मैट्रिक परीक्षार्थियों की प्रतीक्षा अब खत्म होने को है। जल्द ही मैट्रिक के परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिल रही जानकारी के अनुसार 28 मार्च को मैट्रिक के परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी की जा चुकी है। टॉपर्स के लिस्ट को वेरीफाई किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से टॉपर्स वेरिफिकेशन को लेकर तैयारी की गई है। संभावित टॉपर्स का कल से वेरिफिकेशन का काम किया जा सकता है। 16 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने 10वीं की परीक्षा में हिस्सा लिया था और अब उनका रिजल्ट 28 तारीख को प्रकाशित किया जाना है। इसको लेकर तैयारी की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समय पर परीक्षा कराने और समय पर परिणाम जारी करने को लेकर पूरी तरह से संकल्पित। और इसी कड़ी में इंटर की परीक्षा परिणाम के बाद अब मैट्रिक के परीक्षा परिणाम भी जल्द घोषित करने को लेकर तैयारी की जा चुकी है। बिहार के 16 लाख से भी अधिक परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था और ऐसे में समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर बोर्ड की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार 28 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिजल्ट जारी करने से पहले टॉपर्स लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम भी शुरू किया जा रहा है। ऐसी जानकारी मिल रही है। 16 लाख से भी अधिक परीक्षार्थियों ने मैट्रिक की परीक्षा में हिस्सा लिया था। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी आदित्य जुड़ रहे हैं। आदित्य, मैट्रिक और इंटर के परीक्षा परिणाम समय पर जारी हो इसको लेकर तैयारी की गई थी। इंटर का रिजल्ट आ गया, अब मैट्रिक का जल्द आने वाला, ऐसी जानकारी मिल रही है। अपडेट चाहेंगे आपसे। मैट्रिक की का जो रिजल्ट है वो 28 मार्च को जारी हो सकता है। टॉपर्स का जो वेरिफिकेशन है वो कल से शुरू कर दिया जाएगा और बिहार बोर्ड का की इच्छा है कि सबसे पहले जिस तरीके से इंटरमीडिएट का रिजल्ट पूरे देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड ने जारी किया है, उसी तरीके से टेंथ का भी रिजल्ट बिहार बोर्ड सबसे पहले जारी करे। उसको लेकर के सारी तैयारी शुरू हो गई है और जो टॉपर्स का जो लिस्ट है, टॉप 10 में कौन कौन से स्टूडेंट जिनका नाम है उनका वेरिफिकेशन, उनका इंटरव्यू शुरू हो गया है। और जो हमारे जो सोर्स है उसका यदि माने तो 28 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जी दीपक, बिल्कुल। और इसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है ताकि पहले जो बदनामी हुई वो दोबारा ना हो? जिस तरीके से कुछ वर्ष पहले जो हुआ था बिहार बोर्ड का जो बदनामी हुई थी टॉपर्स को लेकर के, उसके बाद से ही बिहार बोर्ड ने एक नया पैटर्न शुरू किया कि जो भी टॉप 10 में आएंगे, चाहे इंटर में चाहे मैट्रिक में, तो जो भी टॉप 10 में आते हैं उनका पहले ही लिस्ट तैयार हो जाता है और उसका वेरिफिकेशन जो थ्री लेयर कमिटी है वो कर लेती है। इंटरव्यू होता है उसका, उसकी कॉपी फिर से जांची जाती है ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आए और जो रिजल्ट प्रकाशित हो तो उस पर कोई सवाल उंगली खड़ा नहीं कर सके। तो इसी को लेकर के कुछ वर्षों से लगातार ये प्रक्रिया होती है कि जो टॉपर हैं उनकी कॉपी की विशेष जांच होती है और उनका वेरिफिकेशन दो स्तर पर किया जाता है। जी धन्यवाद आदित्य इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दो स्तर पर टॉपर लिस्ट को वेरीफाई करने का काम शुरू किया जा चुका है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 28 तारीख को अब मैट्रिक का परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा।